तो ये रीसेट होकर अपने इनिशियल उसमें कंडीशन में आ गया और सारी डिटेल्स वगैरह जो भी थी इसने उड़ा दी। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि मैनुअल इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप इंटरनेट की जो केबल होगी वो आप अपने वैन इंटरफेस के ऊपर लगाएंगे, और जो है उसमें आप आईपी में आएंगे और डीएससीपी क्लाइंट के ऊपर आएंगे। तो इसको यानी आप यहाँ से भी जो है कर सकते हो, ऐड को आप क्लिक करोगे और इसमें ये बताओगे कि इथर वन आपका जो होगा वो आपका डीएससीपी क्लाइंट होगा। तो इसको आप अप्लाई करोगे, ओके करोगे और आप देखोगे कि स्टेटस में इसने आईपीज़ वगैरह डिटेल्स अपनी जो है ले लिए। और इसमें अगर आप चाहो तो इंटरफेस के ऊपर यानी आप इसमें कमेंट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये मेरा वैन इंटरफेस है, तो वैन इंटरफेस करके मैंने ओके कर दिया तो ये इसके ऊपर कमेंट्स आ गए। और इनको आप जो है लैन साइड पे कॉन्फ़िगर करें, अमूमन यानी अलग अलग भी कर सकते हो, पर आप इसको एज अ ब्रिज भी कर सकते हो। ब्रिज के लिए ब्रिज पे क्लिक करके ओके करेंगे और आप इसमें नाम देंगे लैन पोर्ट्स, ठीक है, तो इसमें आप ब्रिज करके और ओके कर दोगे। और उसके बाद इंटरफेस में यानी ये सेकंड इंटरफेस है, जिसके बाद यानी आप पोर्ट्स में आएंगे और यहाँ पर आप जो है वो पोर्ट्स वगैरह ऐड करेंगे। जैसे सेकंड है, इसको मैं इसी उसका मेंबर बनाना चाह रहा हूँ, तो ओके करेंगे, ये इसका पार्ट बन जाएगी। इथर थ्री को भी आपने ऐसे करना है, अप्लाई करके ओके करना है, और इथर फोर को भी आपने ऐसे करना है। कि अप्लाई करके ओके करना है और इधर फाइव को भी ऐसे करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें आईपी देनी पड़ेगी। तो मैंने आपको कहा था ब्रिज हमारी मास्टर होगी और ये सारी जो पोर्ट्स होगी इसकी स्लेव होगी। तो जब आप आईपी देंगे एड्रेस लिस्ट में आके, तो आईपी भी आप उसी हिसाब से अपनी मास्टर पोर्ट को देंगे। तो मैं इसको आईपी देता हूँ 192.1.1/24। तो इस पे इसको सिलेक्ट करना है लैन पोर्ट्स के ऊपर, अप्लाई करके ओके करना है। तो ये हमारी जो है ब्रिज के ऊपर आईपी आ गई। अभी आप सिस्टम को एक आईपी दे दें अपने, ताकि आप आईपी के थ्रू इसको एक्सेस कर सकें। वैसे तो हमने मैक एड्रेस के हिसाब से इसको एक्सेस किया था, तो मैं सिस्टम को आईपी दे देता हूँ 192.168.1.2 और इसको गेटवे दे देता हूँ 1.1। ओके 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 और इसका हम जो है एक न्यू विन बॉक्स ओपन करते हैं और इसको मैं आईपी देता हूँ और आईपी के थ्रू कनेक्ट करने की करता हूँ। तो ये देखें कनेक्ट हो गया मेरा। अगला फेस होगा इसमें इंटरनेट ऑन करने के लिए, तो उसमें आप आईपी फायरवॉल्स में आएंगे, फायरवॉल्स में नेट के ऊपर आएंगे, ऐड रूल करेंगे। यहाँ पर चैन आपने सोर्स नेट करना है और आउट जो है इंटरफेस आपने क्या करना है, हमारा इथर वन यानी वैन। और एक्शन में आपने जस्ट मेस्क्यू ग्रेड सिलेक्ट करना है, अप्लाई ओके करेंगे। तो अभी आप यहां से चेक करें पिंग करके, तो आपकी इंटरनेट एक्सेस हो जाएगी। और सेम अगर हम यहाँ से जो है इंटरनेट को एक्सेस करें, तो हमारी ये देखें गूगल से रिप्लाई आ रहा है, तो इंटरनेट चल गई। तो ये थी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन इसकी। आपने क्विक सेट से भी देखा और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का भी देखा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।